अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह कि आप सब भाइयों को पता है कि मैं आप लोगों से पहले भी टाइपिंग मास्टर में लेसन शेयर कर चुका हूँ, और आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि आप टाइपिंग लेसन पे मास्टर पर लेसन किस तरह ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना है, जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। जब आपने टाइपिंग मास्टर डाउनलोड कर लेना है तो फिर इसको सिंपली आपने ओपन करना है। देखिए, इसको मैंने सिंपली ओपन किया है, ये मैं इस पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। ठीक हो गया, मैं सिंपल टाइपिंग टेस्ट पे जाऊंगा, और ये देखें इसमें कोई भी लेसन, बेसिकली कोई भी लेसन ऐड नहीं है, जो इसके सिंपल बेसिक लेसन है वही ऐड है। अब इसमें मैं पर्सनली अपना लेसन ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने एडमेंट बनाया हुआ है। ये देखें, ये ऐड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है। अब मैं देख लूँगा कि मैंने किस नाम से रखे हुए हैं। ये देखें, ये मेरे लेसन आ गए। ठीक है, अब मैं ये जो 2500 कॉमन वर्ड्स हैं, मैं ये या 500 कॉमन वर्ड्स में ऐड करना चाहता हूँ। इस पर सिंपली इसको ये करके डबल क्लिक कर देना आपने। ये देखें, ये ऑटोमेटिक आ गया। अब इसमें मैं कोई सेकंड लेसन ऐड करना चाहता हूँ, समझिए कि मैं ये 1500 या 2500 कॉमन वर्ड्स ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखें सिंपली आ गया। और मैं इस पर 2 मिनट की भी कर सकता हूँ और 5 मिनट की भी कर सकता हूँ। अच्छा, जब आपने ऐड करना है तो आपने देखना है कि आपने वो जो लेसन है ना वो आपने कहाँ पर रखे हुए, और लेसन ये है कि आपने नोट पैड पर रखने हैं। नोट पैड पर रखेंगे तो तभी शो होगा, अगर आप नोट पैड पर नहीं रखेंगे तो आपको लेसन नहीं शो होंगे। जी, थैंक यू सो मच।